बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये है आटा बिस्किट। घर पे हम आटे से बड़ी आसानी के साथ ये मज़ेदार बिस्किट तैयार कर सकते हैं। इन बिस्किट में बास को हमने सादा रखा है और बास के साथ हमने ड्राई फ्रूट लगाए हैं। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमें आटा चाहिए 2 कप, और यहाँ हमने एक छलनी ले ली है, उसमें आटा डाला। आटा डालने के बाद इसमें डालें 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और फिर हम इसे छान लेंगे। इसको अच्छी तरह छान के हमने प्याले में रखा, और अब हमें चाहिए पाउडर्ड शुगर। तो चीनी को पीस लें और फिर इसमें हम इस डालेंगे 1/2 कप पाउडर्ड शुगर। तो यहाँ हमने 1/2 कप डाला चीनी पिसी हुई, और फिर से अच्छी तरह मिक्स कर दिया। इस आटे को हम गूंद रहे हैं मिक्सर में, तो हमने इसको डाला मिक्सर में, और अगर आप हाथ की मदद से गूंद रहे हैं तो भी आसानी के साथ इसे गूंदा जा सकता है। तो यहाँ हमने मिक्सर में गूंदना स्टार्ट किया। अब हम यहाँ पे क्योंकि बटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जैतून का तेल डालेंगे 1 कप। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने जैतून का तेल डाला और इसे तेल के साथ अच्छी तरह गूंद लिया। जब आटे में तेल अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम 6 टेबल स्पून दूध लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। तो इसे अच्छी तरह गूंद लें। यहाँ हमारा जो आटा है वो तैयार हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा दूध हमने इसमें डाल दिया है, और हमारा आटा तकरीबन गूंद चुका है। तो हम एक प्लास्टिक की थैली के ऊपर इसे डालेंगे, और फिर थोड़ा सा इसे गूंद कर प्लास्टिक में ही रैप कर इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें। और रेफ्रिजरेटर में हमें रखना है 10 मिनट 10 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे और फिर इसे बेल लेंगे। प्लास्टिक को आटे के ऊपर रख के बेलें, इससे बड़ी आसानी के साथ ये बेल जाता है। हमें इसकी एक रोटी बेलनी है, ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो बड़ी आसानी के साथ हम प्लास्टिक की मदद से इस रोटी को बेल लेंगे। रेफ्रिजरेटर में आटा रखने से आटा अच्छी तरह सेट हो जाता है और बेलने के दौरान टूटता नहीं है। तो यहाँ हमने इसे एक रोटी की शक्ल में दे दिया है, और अब इसे हम किसी भी कुकी कटर से काट लेंगे। गोल शेप में हम यहाँ काट रहे हैं, आप चाहें तो ग्लास की मदद से भी काटा जा सकता है इसे। यहाँ हमने एक एक बिस्किट को उठाया और बेकिंग ट्रे पे रखते गए, इसे बेक कर लेंगे हम। कुछ बिस्किट जो है हम ड्राई फ्रूट के साथ तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ हमने बादाम और पिस्तों को चॉप कर लिया है। अब हम एक रोटी को बेल कर उसी तरह प्लास्टिक की मदद से, और अब हम दिल के शेप में इसे काट रहे हैं। तो कुकी कटर से हम इसे काट रहे हैं, आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। फिर इसे उठा के आप बेकिंग ट्रे पे रखें, और जो बादाम पिस्ते हमने इसमें काटे थे तो उसे थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालते जाएं और दबाते जाएं। इस तरह दबाने से ये होता है कि बेक होने के बाद ये बिस्किट में से नहीं निकलते। 170 डिग्री सेल्सियस पे हमने जो अपने अवन को प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है बेक कर रहे हैं 15 मिनट के लिए, या उस वक्त तक के लिए जब तक हमारे जो बिस्किट हैं ऊपर से लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाएं। तो 15 मिनट के बाद हमने ये ट्रे निकाला बिस्किट क्या, और ये देखिए हमारे बिस्किट कितने अच्छे बेक हो गए हैं, और नीचे से भी ये बहुत अच्छे बेक हुए हैं। इसे कुछ देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दें, और फिर इसे इस्तेमाल करें, पेश करें खाने के लिए। यहाँ हमारे बिस्किट बहुत मज़ेदार बने हैं, और देखें आप कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आटे से हम बड़े आसानी के साथ ये बिस्किट तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार आटे के बिस्किट की रेसिपी को, और यकीनन आपको ये बहुत पसंद आ रही होगी। तो इसे लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।